आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं पिवट टेबल। तो पिवट टेबल का हमारा एक टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे हम पिवट टेबल को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि डेटा डेटा क्या होता है। डेटा को हम लोग बोलते हैं क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा को क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिपोर्ट। हम कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट क्या होता है? तो रिपोर्ट को बोला जाता है समरी ऑफ द डेटा। रिपोर्ट हमारा क्या होता है? समरी ऑफ द समरी ऑफ डेटा। डेटा डेटा किसी भी तरह का रिपोर्ट जो होता है वो डेटा को समराइज ही किया होता है, किसी अलग अलग एंगल पे डेटा को समराइज करके रखते हैं। हम अगर पिवट टेबल की डेफिनेशन को देखें तो पिवट टेबल कहता है वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर द एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। और आपके ऑफिस के 60 to 70% जो रिपोर्ट है वो इससे बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पिवट टेबल और जस्ट हम ओके करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पिवट टेबल लगाने से पहले डेटा को चेक कर लीजिए। दो चीजें चेक करनी है। पहले कि डेटा का हेडिंग कोई ब्लैंक नहीं होना चाहिए, और दूसरा डेटा के बीच में कोई ब्लैंक रो, पूरी की पूरी ब्लैंक रो या पूरी की पूरी ब्लैंक कॉलम नहीं होनी चाहिए। अगर हुआ तो, अगर आपका कॉलम का हेडिंग ब्लैंक है तो डालना जरूरी है, अगर रो ब्लैंक है या कॉलम ब्लैंक है तो डेटा को सिलेक्ट करने के बाद पिवट लगाना होगा या फिर ब्लैंक को रिमूव करना। अगर जब कर लेते हैं तब इस पे क्लिक कीजिए और पिवट टेबल एंड जस्ट ओके। और कुछ करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ओके कीजिएगा, एक नई सीट ऐड होगी, उस नई सीट पे आपका इस तरह का विंडो आएगा। ये जो दिखता है इस एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं पिवट एरिया या रिपोर्ट एरिया। और यहाँ जो ब्लैंक्स, ये यहाँ जो आपके ये दिखते हैं हेडिंग्स दिखते हैं, ये आपके फील्ड के हेडिंग है। इसलिए मैंने आपको बोला, क्योंकि ये हेडिंग पे ही डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये हेडिंग ब्लैंक नहीं होने चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां से डेटा उठा के इन चारों में फीड कर देना है। जैसे फीड करेंगे ऐसे से यहाँ पे रिपोर्ट आएगा। लेकिन इस चीज को जानिए कि आपको रिपोर्ट चाहिए क्या। दूसरी रिक्वायरमेंट आपको पहले प्रिपेयर करनी है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो कि आपको किस तरह का रिपोर्ट चाहिए। तो अगर हम अपने डेटा, इस डेटा को देखते हैं तो इसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ नेम वाइज, सिटी वाइज, कोर्स वाइज, क्वांटिटी और एवरेज ऑफ एमआरपी है। तो मुझे यहाँ पे ये चाहिए कि किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी सेल की है, किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी सेल की है। तो सीट वन में हम आते हैं और यहाँ हम नेम को उठा के रो के अंदर पुट कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये आपका नेम आ गया। फिर हम देखते हैं क्वांटिटी को उठा के क्वांटिटी हम यहाँ पर रखते हैं वैल्यूज में। देखिए, हमने नेम को रो में रखा तो मेरे पास नेम लिस्ट आ गया। मेरे डेटा में नेम कई बार रिपीटेड है लेकिन पिवट के अंदर सिर्फ एक बार में हमारा एक नाम एक बार में आया, क्योंकि हमें समरी बना रहे हैं। और इसके अगेंस्ट यहाँ टोटल आ गया। टोटल इसलिए आया क्योंकि हमने क्वांटिटी वाले फील्ड को उठा के वैल्यू सेक्शन में डाला है। वैल्यू सेक्शन में वो रिपोर्ट डाला जाए, वो फील्ड को डालते हैं जिसके ऊपर कैलकुलेशन करना है। अब मैं लीजिए मुझे एवरेज ऑफ एमआरपी भी चाहिए, तो आप एमआरपी को उठाकर यहाँ पे डाल देंगे। तो एक है तो सम ऑफ एमआरपी भी बता रहा है, तो आप इस पे क्लिक करें या इसके फील्ड पे डबल क्लिक करें तो ये सामने वैल्यू फील्ड सेटिंग का पॉपअप आएगा। यहाँ क्लिक करते हैं तो वैल्यू सिक्स फिल सेटिंग पे क्लिक करना होगा। अब यहीं पे देखिए आपका कैलकुलेशन है जिसमें सम,
काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और बहुत सारे कैलकुलेशन है। तो मुझे एमआरपी को एवरेज करना है, तो हमने सिलेक्ट करके एमआरपी को एवरेज कर दिया। बट ये क्या, ये द डेसिमल में आ गया। तो आप यहाँ से जो नॉर्मली डेसिमल करते हैं वो करते ही हैं, लेकिन ऐसा करने से कभी कभी क्या होता है कि हमारा पिवट का जो रिफ्रेश होता है तब फॉर्मेटिंग प्रिजर्व हो जाती है। तो उस केस में हम वैल्यू फील्ड सेटिंग, जहां पे हमने सम एवरेज में सेलेक्ट करना होता है, उसी के नीचे आपको दिखेगा नंबर फॉर्मेट। इस नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहां से हम नंबर और इसको जीरो कर देंगे, डेसिमल प्लेसेस। फिर ओके कीजिए, फिर वापस ओके कीजिए, आपके सामने रिपोर्ट आ गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात आती है, क्योंकि हमने रिपोर्ट बना के ऐसे तो नहीं भेज देंगे ना। तो सबसे पहले तो रिपोर्ट का टाइटल होना चाहिए, जब भी कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो उसका टाइटल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपना रिपोर्ट का टाइटल एक लगा देते हैं, और हम टाइटल जो है थोड़ा सा कलर करके रखते हैं इसको, मर्ज यहाँ पे, यहाँ पे भी लिख देते हैं डेली सेल्स रिपोर्ट, इसको कलर व्हाइट करते हैं, बोल्ड करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं देखने लायक, और साइड यहाँ पे कर देते हैं। ये जो भी स्लोगन वगैरह है कुछ और है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो 1 जनवरी 2022 से लेके टिल डेट कर दिया, मतलब कि आज की डेट। अब इस पे जो आपका दिख रहा है नेम वगैरह, तो रो लेवल के जगह पे यहाँ नेम चाहिए मुझे, तो हमने नेम लिख दिया। सम ऑफ क्वांटिटी के जगह पे हमें टोटल सेल, यहाँ पे एमआरपी पर एवरेज परपस। जो भी आपकी मर्जी है। अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात आती है, इसके बॉर्डर वगैरह, कलर वगैरह, तो ये चीजें तो आप नॉर्मली लगा सकते हैं, जो भी करना कर सकते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब रिफ्रेश होगा तो आपका फॉर्मेटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपने फॉर्मेटिंग मान लीजिए 19 तक लगाया है, कल के डेट में डेटा आगे बढ़ गया तो आगे का डेटा जो फॉर्मेट नहीं आएगा, और पीछे आ गया तो पीछे का डेटा फॉर्मेट रिमूव नहीं करेगा, समटाइम प्रॉब्लम होती है। तो पिवट टेबल पे जब देखिए ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पावर पिवट तक ही दिखेगा, जैसे इस पे क्लिक किया दो फील्ड ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है। इसी के डिजाइन वाले सेक्शन पे हमें जाना है, कहाँ जाना है, डिजाइन वाले सेक्शंस पे डिजाइन जी। और यहाँ से पिवट टेबल की जो डिजाइन आपको सुटेबल है, जो चूज कर रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है, वो आप चूज कर लें। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें विजुलाइजेशन, मतलब कि क्या हम चार्ट लगा सकते हैं। जी हाँ, आप ऐसे पिवट टेबल के अंदर पिवट चार्ट है उसको भी लगा सकते हैं, या नॉर्मली भी जाके आप जो है यहाँ पे कोई चार्ट, जैसे जो चार्ट चाहिए आपको वो चार्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉम्बो चार्ट सेलेक्ट कर लिया, ये वाला चार्ट सही है मेरे लिए, एरिया चार्ट ही ले सकते हैं। हाँ, और इस चार्ट की अपनी एक, इसकी इसकी भी डिजाइन पे जाएंगे तो इसके भी बहुत सारे डिजाइन्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ये आपका पिवट, ये आपका रिपोर्ट रेडी हो गया। तो हमने ये रिपोर्ट एक एक इंफॉर्मेशन, एक डेटा से इंफॉर्मेशन निकाली कि किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी सेल की है और किस एवरेज रेट से सेल की है।
जहाँ पे मुझे मेरे यहाँ पे सेल्स का पूरा फ्लो दिख रहा है और हम अपने एमआरपी का भी कंपेयर कर रहे हैं। अपने से दोनों का अलग अलग पिवट पर चार्ट लगता तो अच्छा दिखता, लेकिन पिवट पे एक पिवट पे आप एक ही चार्ट लगा सकते हैं, एक पिवट पे आप अलग अलग चार्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, अब बारी आती है इस रिपोर्ट को भेजने की। तो आप बोले से मुझे डेटा नहीं भेजना, तो कोई बात नहीं, आप सबसे पहले राइट क्लिक करें, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाए, डेटा पे जाए और सेव सोर्स फाइल, सेव सोर्स डेटाबेस फाइल को अनचेक कर दें और फिर ओके करें, फिर राइट क्लिक, मूव एंड कॉपी और यहाँ न्यू बुक में जाके ओके। ठीक है सर, ओके okay. अब इस फाइल बुक टू को जिसको भेजना है उसको भेज दीजिए, समझे। तो मुझे अलग से सेव करके भेजना है। आप वही फाइल भेजना चाहते हो, वही फाइल भेज ली। कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि सर मेरा डेटा है, मैं डेटा नहीं भेजना चाहता, उस केस में एक पीवट अपने साथ डेटा स्टोर रखता है। राइट क्लिक कर फिल लिस्ट पे जाएंगे तो हम यहाँ पे जो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके अब बात करते हैं थोड़ी सी और अलग पीवट पे, कुछ और करते हैं। चलिए, तो इस बार मुझे मैट्रिक्स फॉर्मेट चाहिए। मैं चाहता हूं कि किस पर्सन ने किस कोर्स को कितनी क्वांटिटी में बेचा है। ठीक है, तो पिवट टेबल देन ओके ओके, और हमने यहाँ पे क्या किया, नेम को रखे यहाँ पे, कोर्स को रखे रो कॉलन में और क्वांटिटी को हमने रखा। ठीक है, ओके तो इन नेम वाइज कोर्स, क्योंकि नेम जो है मेरा प्रेफरेंस है पहला, इसलिए हमने रो में रखे, और कोर्स दूसरा है तो हमने उसको कॉलन में रखा। अगर आपका कोर्स प्रेफरेंस कर रहा है तो फिर आप यहाँ ना। अब कोई बोलता है कि नेम वाइज कोर्स वाइज, तो नेम जो आएगा कहाँ आएगा, कॉलन में। अगर बोलता है कोर्स वाइज नेम वाइज, तो कहाँ आएगा, कोर्स आएगा कॉलन में और नेम आएगा कॉलन में, कोर्स आएगा रो में। ठीक है सर, ओके तो वो डिपेंड करता है। अब इस पे जो ब्लैंक ब्लैंक आ रहे हैं, मैं राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस और इस पे हम जीरो कर देंगे, देन ओके। तो देखिए जीरो, पूरा जीरो हो गया। इसकी भी फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि तो आपने कॉलम में फील्ड को रखा है, तो कॉलम में फील्ड रखने से प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि आपका कॉलम का जो लेंथ है लिमिटेड है, कम है तो आप रख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कॉलम का लेंथ अगर 500 हुआ तो यहाँ 500 तक ले जाना मुश्किल है ना सर। क्या सर, हाँ सर इसलिए आप जो है सिर्फ उसी चीज को रखें जिसका छोटा है, लेकिन अगर मान लीजिए लेंथ काफी बड़ा है तब क्या किया जाएगा, तब आप क्या करें कि जो अपना आपका जो कोर्स है इसको हम रो के अंदर सेकेंडरी पार्ट में कर देंगे। तो सेकेंडरी पार्ट करने से बेनिफिट क्या हुआ, आप देख पा रहे हैं कि ये आपका पूजा और इस तरह के नेम्स इस तरह से आ गए, इसमें ये आपका कोलैप्स और एक्सपेंड का ऑप्शन आ रहा है सर। हाँ ये आपके लिए एक बेनिफिट फीचर है कि आप एनालाइज में जाइएगा और पूरे को कर दीजिएगा कोलैप्स और पूरे कर दीजिएगा एक्सपेंड। एक मिनट, ठीक है, तो
यहां पे क्या हो, समरी ऑफ द समरी हो गया, कि आप इसको भी नीचे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए दिख गया, या तो इनला पिवट टेबल एनालाइज में जाके इसको पूरा खोल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब इसको कभी कभी क्या होता है कि हम रिपोर्ट को अब इसको जब एक प्रॉब्लम यहां भी आ रही है कि अगर इसको सेम पिवट टेबल में भेजना हो तो ये अच्छा रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने डेटा को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद किसी और लोकेशन में पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं, ठीक है, इसको हम भेजते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे ढूंढना मुश्किल है कि कोर्स कौन सा है और नेम कौन सा है। तब यहां मैं चाहता हूं दोनों को अलग अलग कॉलम, मैं चाहता हूँ पहला कॉलम नेम, दूसरा कॉलम कोर्स और तीसरा कॉलम में मेरा डेटा है। तो उसके कई तरीके हैं, आप पिवट टेबल के डिजाइन सेक्शन में जाएं, रिपोर्ट लेआउट में और शो टेबल, ठीक है, ये आपका पिवट टेबल कौन सा सर, रिपोर्ट सेक्शन, ओके, रिपोर्ट लेआउट, ये अगर आपको प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है तो राइट क्लिक करिए, पिवट टेबल ऑप्शंस, डिस्प्ले क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट, इससे भी हो जाता है। अब यहां आपके सामने टोटल है, अब यहां देखिए सब टोटल है, डू नॉट शो सब टोटल, तो सब टोटल नहीं शो करेगा, ठीक है, शो ऑल सब टोटल फ्रॉम बॉटम ग्रुप, दिख रहा है, दिख रहा है सर, तो ये सब टोटल भी आप यहां से ला सकते हैं, हालांकि आप यहां राइट क्लिक करके भी सब टोटल को ला और हटा सकते हैं। अब बारी आती है कि मैं इसी को रिपीट करना चाहता हूं, तो आप यहां देखिए रिपीट ऑल आइटम लेबल, रिपीट हो गया, मुझे इन दोनों के बीच में ब्लैंक चाहिए, तो यहां पे रिमूव रिमूव कर सकते हैं, फिर यहां एक चीज और भी है कि मुझे रिमूव नहीं करना है, तो मैं यहां से नॉट रिमूव कर देता हूं, और मुझे यहां करने हैं मर्ज, मैं सेल को मर्ज करना चाहता हूं, तो राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शन और यहां मर्ज एंड सेंटर विथ लेबल्स, ये देखिए मर्ज हो गया, ठीक है। तो ये तो थी पिवट टेबल, अब कुछ एक्सरसाइजेस जो कि मैं आपको देने वाला, डेटा आपके सामने है और ये रहा आपका रिपोर्ट, क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझे, नेम सम ऑफ क्वांटिटी और एवरेज ऑफ एमआरपी चाहिए, मुझे नेम सिटी और इनवाइस का काउंट चाहिए, मुझे नेम कोर सिटी और एवरेज ऑफ एमआरपी चाहिए, ठीक है, ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ।